हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं फिलहाल। तो एग्जांपल 2.2 है, हम इसे चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। तो टू चार्जेस 3×10⁻¹ कूलम एंड −2×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस। ओके, तो दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं दोनों के और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पर कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, और इन्फिनिटी पे हमें पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो, वो तो सिंपल हम लेते ही हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या रहता है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दो चार्ज, एक ये है यहाँ पर 3×10⁻¹ कूलम और एक यहाँ हमने कंसीडर कर लिया ये −2×10⁻¹ कूलम। ओके, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है और ये मैग्नीट्यूड में कम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एसआई सिस्टम के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है, 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब हमें चेक करना है कि इस लाइन पर जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पर कहां पर पोटेंशियल जीरो रहेगा। देखिए, ये लाइन पर पोटेंशियल कहीं पे भी जीरो हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है पॉइंट और इस साइड में भी कहीं पॉइंट हो सकता है ना, पॉजिटिव चार्जेस वाले की साइड भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज वाले चार्जेस की साइड भी पॉइंट हो सकता है और इनके बीच में भी कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है ना। एक बात बताइए, आपने सिंपल जानते हो, अगर प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या रहता है, के क्यू अपॉन आर, यहाँ स्मॉल क्यू लिया है, और नेगेटिव की वजह से क्या रहता है, माइनस के क्यू अपॉन आर, प्लस की वजह से ये, नेगेटिव की वजह से ये, इन दोनों को ऐड कर दें, अगर डिस्टेंस सेम रहे, अगर डिस्टेंस बीचों बीच अगर हम देखें तो आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, तो इनको बीचों बीच में क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, इनको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, है ना, सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। पोटेंशियल क्या होता है, डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होता है ना, यहाँ अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें इसके लिए थोड़ा सा और इनके बीचों बीच में तो जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सेम चार्जेस हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट हैं अमाउंट में, है ना, अपोजिट हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन में अपोजिट हैं, यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड भी अलग है और साइन में तो अपोजिट हैं ही, बीचों बीच में तो यहाँ जीरो नहीं होगा चार्ज, जो पोटेंशियल होगा यहाँ जीरो नहीं होगा इन दोनों के बीच में, वो पॉइंट कहीं इससे आगे ही हमें मिलेगा। सपोज यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमें ये पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है। एक बात बताइए कि हो सकता है कि इस चार्जेस के इस साइड में भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है किसी पॉइंट पर, या फिर इसके इस साइड में भी हो सकता है जीरो। देखिए, एक चीज हम यहां देखें कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये जीरो यहां हुआ होगा तो अगर इसकी वजह से, मान लिया पोटेंशियल यहां 8 वोल्ट है और इसकी वजह से पोटेंशियल यहां −8 वोल्ट है, तभी ये मिल कट के जीरो आएगा। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 8 वोल्ट है इस वाले चार्जेस की वजह से पोटेंशियल यहां और इस वाले चार्जेस की वजह से यहां इतना है, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट आएगा तभी यहां जीरो होगा, लेकिन 8 वोल्ट नहीं है, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, यहां नहीं हुआ होगा जीरो क्योंकि यहां हो सकता है 10 वोल्ट हो, यहां पे यहां 10 वोल्ट हो और इसकी वजह से हो सकता है कि यहां पे 6 वोल्ट हो, तो यहां जीरो नहीं हुआ होगा, ठीक है, सेंटर पे जीरो, मिड पॉइंट पे जीरो नहीं हुआ होगा। देखिए, डिस्टेंस को कम करेंगे, डिस्टेंस को कम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, डिस्टेंस को हम यानी यहां से यहां आ गए तो ये पोटेंशियल बढ़ गया और ये वाली जो वैल्यू है ये 8 है फिलहाल, यहाँ पे हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, इसके लिए तो डिस्टेंस बढ़ा दी है ना। देखिए, नेगेटिव वाले चार्जेस के लिए अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगा, है ना, 8 वोल्ट जैसे जैसे पास आएंगे तो मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव वाले के लिए वो बढ़ता जाएगा, है ना, इसके लिए डिस्टेंस बढ़ा दी और इसके लिए डिस्टेंस कम कर दी, तो ये 8 वोल्ट से कम होने पे 10 वोल्ट हो गया, ये तो 8 वोल्ट से 10 वोल्ट हो गया और ये 8 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया, है ना। इधर आएंगे तो हम होगा क्या कि जो
पोटेंशियल है इसकी वजह से वो बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड में, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा, है ना। तो इस साइड में तो पोटेंशियल जीरो होने वाला है नहीं। अगर हम यहाँ पे भी चेक करें तो इसके पास अगर हम देखेंगे डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी तो ये पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ये पोटेंशियल कितना हो जाए, 10 वोल्ट है इधर आके, और नज़दीक आ गए हो सकता है यहाँ से ये 12 वोल्ट हो जाए, है ना। और ये डिस्टेंस देखिए इस चार्जेस के लिए ये डिस्टेंस कितनी बड़ी हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है, लेकिन भले ही वो मैं नेगेटिव में होगा, वो कितना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है कि -2 वोल्ट रह जाए। तो यहाँ पे तो जीरो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, ये वाला जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो कम होती जाएगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पोटेंशियल नेगेटिव वाले के लिए आप जानते हैं कि जितना हम नज़दीक होते हैं पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है, जितना दूर होते हैं पोटेंशियल उतना कम होता है, ठीक है। ये होती है चीज़, ठीक है। सॉरी, यहाँ पोटेंशियल जितना कम पास होते हैं नेगेटिव वाले के लिए, वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, और जितना दूर होते हैं उतना पोटेंशियल बढ़ता जाता है। पॉजिटिव वाले के लिए क्या होता है, जितना नज़दीक होते हैं पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है, जितनी दूर होते हैं पोटेंशियल उतना कम होता जाता है, अगर ए और बी ये दो पॉइंट हैं तो, है ना, ये उल्टा होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू है वो तो सिंपल है, दूर जाने पे क्या होगी, कम होगी, है ना। आर बढ़ेगा तो वी कम होगा, आर घटेगा तो वी बढ़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात देखें तो नेगेटिव वाले से अगर हम जितना दूर जाएंगे तो वो उसका जो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है वो गिरता जाएगा, गिरेगा तो फिर ये जीरो की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, जीरो होने वाला है नहीं। चलिए अब हम यहाँ से इस साइड में देखते हैं, इसके पास जाते हैं कहीं पे भी, है ना, इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं जाते हैं जो नेगेटिव चार्जेस के कहीं पास होते हैं हम, तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वाले चार्जेस के लिए डिस्टेंस बढ़ेगी, तो 10 वोल्ट था सेंटर पे, माना था, एज्यूम किया था, हो सकता है यहाँ के 4 वोल्ट रह गया हो, है ना, 4 वोल्ट रह गया हो। और इसके जितना नज़दीक जाएंगे हम, है ना, इसके जितना नज़दीक जाएंगे तो उतनी ही वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। एक्चुअल में पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा, जब आर कम होगा तो वी बढ़ेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं -4 वोल्ट हमें मिल जाए, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है इस चार्ज के पास कि पोटेंशियल जीरो मिल जाए, है ना, इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल जीरो मिल जाए, लेकिन इस साइड में पॉसिबिलिटी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो मिल जाए हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्टेंस इसकी कम रहेगी और इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे हम तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, वो और कम होगा तो क्या होगा कि ये वैल्यू और गिरेगी, और फिर ये इसके साथ मिलकर पोटेंशियल जीरो की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। आपको थियोरेटिकली ये चीज़ नहीं आई होगी समझ में, कोई बात नहीं, अब हम इसे मैथमेटिकली भी चेक करते हैं। तीनों साइड में पॉइंट देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे पॉइंट, यहाँ भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, है ना। तो तीनों जगह हम चेक करके देखते हैं, मैथमेटिकली चेक करके देखते हैं कि पोटेंशियल का जीरो का पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपके समझ में आया है, नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, मैथमेटिकली चेक करते हैं, इस साइड में भी, बीच में भी और उस साइड में भी, तीनों जगह चेक करके देखते हैं कि पॉइंट कहाँ कहाँ हमें मिलता है जीरो पोटेंशियल वाला, ठीक है। पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, चेक करेंगे तीनों जगह, हम चेक करेंगे उस पॉइंट को, इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। ये तो हमने कंसीडर किया था, आपको समझाने की कोशिश की थी कि कहाँ कहाँ पॉइंट मिल सकता है जीरो पोटेंशियल का। सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहाँ हम चेक कर लेते हैं पोटेंशियल जीरो होगा, नेट पोटेंशियल इसकी वजह से। देखिए पॉजिटिव वाले के लिए मैं V1 मान लेता हूँ, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है V1 मान लेते हैं, और इसकी वजह से जो नेगेटिव वाला है इसकी वजह से V2 मान लेते हैं, और टोटल पोटेंशियल क्या चाहिए हमें, जीरो चाहिए, है ना, किसी पॉइंट पी पर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल जीरो चाहिए एट पॉइंट पी, ठीक है। तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव वाले की वजह से होगी कुछ वैल्यू, और कुछ वैल्यू नेगेटिव वाले की वजह से होगी, तो V1 को हम ले लेते हैं इसकी वजह से, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, Q कितना है, 3×10⁻¹ अपॉन डिस्टेंस, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है P पॉइंट के लिए, x डिस्टेंस पे लिया हमने तो x हो जाएगी ये, ठीक है, प्लस V2, देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव में ही आती है वैल्यू, Q को नेगेटिव लेना पड़ता है हमें, है ना, -2×10⁻¹ अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये x है, कंप्लीट डिस्टेंस 0.15 मीटर है, तो 0.15 में से इस डिस्टेंस को कम कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.15 - x, ठीक है, 0.15 में से इसे हटा देंगे, इस डिस्टेंस को हटा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, 0.15
15 माइनस एक्स, ओके इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमें चाहिए ज़ीरो, कोई बात नहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए k कॉमन है, k को हटा देते हैं, बाद आगे ज़ीरो है चला जाएगा। 10^-8 कॉमन है, ये भी बाहर चला जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, 3/x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2/0.15 माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर वाली पोजीशन में ले जाके, तो 3/0.15 माइनस एक्स और माइनस 2x इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन आएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0.45 माइनस 3x, ओके, और माइनस 2x इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा 0.45 माइनस 5x इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड x इक्वल्स टू 0.45/5, दिस इज 0.9 मीटर। कितनी आई वैल्यू, 0.9 मीटर और 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कहें तो हम 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमें ज़ीरो मिल जाएगा। सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हमें पोटेंशियल ज़ीरो मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी बचेगी फिर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल, यहाँ पे जो पॉइंट है जो नेगेटिव वाले चार्जेस के पास है, वहाँ हमने मान लिया, चलिए ये जो डिस्टेंस है इसे हटा देते हैं यहाँ से हम, है ना, यहाँ से इसी डिस्टेंस को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ हम ओरिजिन ले रहे हैं पहले पहले की तरह, यहाँ से ओरिजिन, यहाँ से x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, वही x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ठीक है। फिर हम इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम कि पोटेंशियल ज़ीरो है, पी पॉइंट हमारा कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ आ गया पी पॉइंट, ठीक है। अब बात यही रहेगी सब जगह, हमें पोटेंशियल यहाँ ज़ीरो चाहिए टोटल, V1 V2 इसकी वजह से और इसकी वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो चाहिए हमें, कोई बात नहीं। तो हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे चेंजेस, देखिए डिस्टेंसेस चेंज होंगी बस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स रहेगी। लेकिन देखिए ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस तो ज़रूरत पड़ेगी नेगेटिव वाले की, जो हमने यहाँ ये अभी ली थी 0.15 माइनस एक्स, यहाँ तक डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 0.15 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बड़ी है x में से, इसे हटा देंगे तो ये मिल जाएगी हमें, तो ये डिस्टेंस मिलेगी हमें x माइनस 0.15, ओके। तो यहाँ पर हमें बस यहाँ ये चेंज करना है, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इसे हटा के, है ना, फिर से वही काम करेंगे, इसे हटा देंगे, यहाँ डिस्टेंस कितनी लेंगे, x माइनस 0.15, फिर से x माइनस 0.15, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, है ना, यहाँ से फिर से हटाएंगे, ये वही चीज़ रहेगी यहाँ पे, और कुछ नहीं करना हमें, x माइनस 0.15, है ना, यहाँ से ये 3x कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3x माइनस 0.45, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, इसे हटा देते हैं, कंप्लीट सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x माइनस 0.45 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0.45 मीटर या फिर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट होगा ये P, वहाँ हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा पोटेंशियल हमें, ठीक है। दो पॉइंट हमने चेक कर लिए, एक यहाँ है, दोनों ही चार्जेस के बीच में है, और एक नेगेटिव वाले चार्जेस के पास है पॉइंट। अब हम चेक करके देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट के, पॉजिटिव चार्ज के पास एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं, फिर से यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है। अब इस एक्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, अब एक्स इस साइड में ले लिया हमने, है ना, इस डायरेक्शन में ले लिया एक्स, पॉजिटिव चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, है ना। ओरिजिन हर बार हमने पॉजिटिव वाले चार्जेस को ही रखा है, डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी पॉजिटिव वाले के लिए, एक्स ही रहेगा V1, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ये वही रहेगा। नेगेटिव वाले के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो 0.15 मीटर है ही, इसमें एक्स मीटर और ऐड कर देंगे, ध्यान रखना एक्स हमने मीटर में लिया है, है ना, 0.15 और एक्स सेम यूनिट ही ऐड कर सकते हैं, एक्स को सेंटीमीटर में लेंगे तो आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना, जानते हैं आप डायमेंशनली
सेम होना चाहिए, है ना, सॉरी यूनिट के साथ सेम होना चाहिए ना, दोनों ही सेम यूनिट होनी चाहिए, x सेंटीमीटर और ये मीटर में नहीं हो सकता है ना, x मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा, सिंपल सी बात है ये। तो x के साथ इसे ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां हमें क्या करना है, नेगेटिव वाले के लिए जो डिस्टेंस है वो हमें ये चाहिएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है 0.15 और ये x, तो इसको ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, बस बस ये चेंज करना है हमें यहाँ पे, ओनली ऐड करना है, ओनली ऐड करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 सेंटीमीटर माइनस में, लेकिन हम तो पॉजिटिव में लेके चले थे एक्स को, एक्स को हम पॉजिटिव में लेके चले थे, लेकिन वैल्यू कैसे आई है, माइनस में आई है। ध्यान रखना अगर इसे आप ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह लेंगे तो यहाँ इस डायरेक्शन में आएंगे तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएंगे, तो स्टार्ट में आप इसे नेगेटिव एक्स लेते, इसे नेगेटिव एक्स लेते तो यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है ना, पॉजिटिव में आती, जो कि गलत होता, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए थी, नेगेटिव में ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहां हम ऑलरेडी पॉजिटिव में लिया है, वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में, आंसर हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में, लेकिन इस डायरेक्शन में वो पॉइंट इट मींस नहीं है, वो पॉइंट किस डायरेक्शन में है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पी पॉइंट कहां है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स की वैल्यू को हमने स्टार्ट में पॉजिटिव लिया था, आंसर में माइनस में आ रही है, इट मींस ये पॉजिटिव में नहीं है, ये इसके इसके जस्ट अपोजिट है इस डायरेक्शन में। अगर आप अगर हम स्टार्ट में इसको माइनस एक्स लेके तब सॉल्व करते थे तो उस कंडीशन में क्या होता कि ये वैल्यू प्लस में आती, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि एक्स अभी माइनस में लिया था लेकिन पॉजिटिव में आ गया, इट मींस ये इस साइड डायरेक्शन में है ये पॉइंट, है ना, तो इस डायरेक्शन में हमें पॉइंट नहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वाले चार्ज के पास हमें पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, बस कहां मिलेंगे, एक पॉइंट यहां मिलेगा और एक पॉइंट हमें यहां मिलेगा, बस दो ही ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। ये बात हमने स्टार्ट में भी देखी थी, चेक करके देखी थी ऐसे थ्योरेटिकली हमने कि डिस्टेंसेस के हिसाब से चलते हैं तो हमें यहां हो सकता है पॉइंट मिल जाए, यहां मिल जाए, लेकिन हमने चेक किया था कि यहां शायद पॉइंट नहीं मिल पाएगा, कि वही सही हुआ कि यहां पर पॉइंट नहीं है, तो ये गलत है, है ना, तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी, आएगी नेगेटिव में तो हम इट मींस क्या है, ये पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं यहाँ पे, है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, थैंक यू।